Hello everyone, welcome to my YouTube channel in English Literature Academy. So today I will explain you a poem from class 12th and elementary school classroom in a slum. This poem is written by Stephen Spender. Stephen Spender जो एक English poet है और काफ़ी सारे essay भी इन्होंने लिखे हैं. इनके work की जो theme है social inequalities और social injustice पर आधारित होती है. यहाँ पर एक ऐसा ही example है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम. यहाँ पर जो इनके पोयम की जो थीम है सोशल इनजस्टिस और सोशल इनक्वालिटीज पर ही आधारित है. सबसे पहले जो इसका जो टाइटल है वो क्लियर कर लेते हैं, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम. स्लम का मीनिंग है यहाँ पर झुग्गी बस्तियों में जो एक प्राथमिक स्कूल है उसका जो क्लासरूम कैसा दिखाई देता है. यहाँ पे पोएट ने इस पोयम के थ्रू उन बच्चों के साथ होने वाले एक्सप्लॉयटेशन को डिस्क्राइब किया है. फर्स्ट पैसेज में उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि वहाँ पर जो बच्चे बैठे हैं वो कैसे दिखाई दे रहे हैं, और सेकंड पैसेज में उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि वहाँ का जो क्लासरूम है उस प्राथमिक विद्यालय का जो क्लासरूम है वहाँ उसकी कंडीशन क्या है. लेट्स स्टार्ट. फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस. बहुत दूर दूर तक, गस्टी का मीनिंग है यहाँ पर एनर्जी की जो वेव्स होती हैं, दूर दूर तक उन बच्चों के फेस पर एनर्जी का कोई नामो निशान ही नहीं है. फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन फेसेस. उन बच्चों के फेस पर एनर्जी का कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं है. लाइक रूटलेस वीट्स द हेयर टॉन राउंड देयर पेलर. यहाँ पर वो बच्चे बिल्कुल कैसे दिखाई दे रहे हैं, रूटलेस वीड्स की तरह, जैसे जंगलों में बिना खाद और पानी के बड़े बड़े झाड़ से और झाड़ियाँ से खड़े हो जाते हैं ना, और कोई उनको खाद या पानी नहीं देता. यहाँ पर वो बच्चे भी ऐसे ही बड़े हो गए हैं जिनका पालन पोषण ढंग से नहीं हुआ है, कोई न्यूट्रिशन उनको नहीं मिला है. तो यहाँ उन बच्चों को कंपैरिजन किया गया है रूटलेस वीड से, जो जंगलों में जो झाड़ होते हैं ना, बड़े बड़े प्लांट्स हो जाते हैं और उनकी कोई भी केयर करने वाला नहीं होता है. तो यहाँ पर झुग्गियों में जो बच्चे रहते हैं और उस प्राथमिक विद्यालय में जो क्लासरूम का जो सीन है वहाँ पर बच्चे कैसे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर पॉइंट कहते हैं उन बच्चों के फेस ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि एनर्जी का कोई नाम ही नहीं है, और वो बिल्कुल रूटलेस प्लांट की तरह लग रहे हैं, जो जैसे उनको किसी ने न्यूट्रिशन ही नहीं दिया है या उनको बिल्कुल भी बचपन में कोई उनका पोषण अच्छी तरीके से नहीं हुआ है. द हेयर टॉन राउंड देयर पेलर. उनका फेस बिल्कुल फीका और पीला पड़ गया है कि क्योंकि कोई भी एनर्जी का जरा सा भी वेव्स उनके फेस पर नजर नहीं आ रहा है. उनके फेस बिल्कुल फीका पड़ गया है, बाल उनके बिखरे हुए हैं, हेयर टॉन. तो वहां पर एक लड़की बैठी है, द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, द पेपर सीलिंग बॉय विद ब्राइट आईज. वहां पर एक लंबी सी लड़की बैठी है जिसने अपना हेड डाउन किया हुआ है. एक पेपर से भी पतला लड़का वहां पर बैठा हुआ है जिसकी आंखें बिल्कुल रेड की तरह है. द स्टंटेड एंड लकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग हिज फादर्स स्नार्लेट डिजीज हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क. वहां पर एक बच्चा बैठा हुआ है जिसकी बोन्स ट्विस्टेड है, और स्टंटेड का मीनिंग है यहाँ पर अनडेवलप्ड. उस बच्चे की जो बोन है ट्विस्टेड है और उनका अच्छे से विकास नहीं हो पाया. यहाँ वो बताता है कि ये बीमारी उसको उसके फादर से विरासत में मिली है, क्योंकि उसके पापा को भी यही बीमारी थी तो उसको भी वो बीमारी हो गई है कि उसकी बोन्स ट्विस्टेड हो गई हैं और उसकी बोन्स का अच्छे से विकास नहीं हो पाया है. एट द बैक ऑफ डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग हिज आईज लिव इन ए ड्रीम ऑफ स्क्वायरल्स गेम इन फ्री रूम अदर देन दिस. अब वहाँ पर एक बच्चा बैठा हुआ है एट द बैक ऑफ डिम क्लास. यहाँ पे पॉइंट कहते हैं कि उस कमरे की कंडीशन इतनी खराब है कि वहाँ पर रोशनी की भी अच्छे से व्यवस्था नहीं है. तो वहाँ पर उस डिम क्लास में सबसे पीछे की तरफ वन अननोटेड एक ऐसा बच्चा बैठा हुआ है जिसको किसी ने भी नोट नहीं किया है. स्वीट और यंग, बड़ा प्यारा सा बच्चा है जिसकी आंखों में एक ड्रीम है. वो एक सपना देख रहा है कि ट्री के पास स्क्वायरल कैसे खेल रही है, एक गिलहरी एक ट्री के पास कैसे खेल रही है. तो यहाँ पर फर्स्ट पैसेज में पॉइंट ने बताया है कि वहाँ पर क्लासरूम में वो जो झुग्गियों के बच्चे हैं उनकी कंडीशन कैसे दिखाई दे रही है, उनके बाल बिखरे हुए हैं, उनके फेस एकदम एनर्जी से दूर है, वहाँ पर एक पेपर जैसा पतला लड़का बैठा हुआ है जिसकी आंखें बिल्कुल रेड की तरह है, एक बच्चा ऐसा है जो विकलांग है वहाँ पर, और वहाँ पर एक बच्चा पीछे की तरफ बैठा हुआ है जो बहुत ही प्यारा है जिसकी आंखों में एक सपना है. नेक्स्ट पैसेज में देखते हैं, ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशन सिक्स स्पीयर हेड.
अब वहाँ पे देखिए उस कमरे की दीवारें कैसी हैं, उस कमरे की कंडीशन कैसी है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम की कंडीशन कैसी है कि वहाँ पर जो दीवारें हैं बिल्कुल भद्दी दिखाई दे रही हैं, बिल्कुल जैसे पेंट भी वहाँ पर बहुत सारे दिनों से नहीं हुआ है। ऑन्स और क्रीम वॉल्स, बिल्कुल भद्दी दीवारें पर डोनेशन शेक्सपियर है, डोनेशन देने वालों के नाम लिखे हुए हैं और एक शेक्सपियर का चित्र बना हुआ है। क्लाउडलेस एट डॉन एक सुबह का चित्र है जो बिल्कुल बादलों से लैस है, वहाँ पर कोई बादल ही दिखाई नहीं दे रहे, एक सुबह का चित्र है, सनराइजिंग का पिक्चर है। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटी, वहाँ पर सिविलाइज्ड डोम का मीनिंग है यहाँ पर कि जो शहर में जो मोनूमेंट है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, उन बिल्डिंग की पिक्चर्स वहाँ पर लगे हुए हैं। वेल फ्लावरी टाइडूल इस वैली ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स फॉर एंड गेट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर फॉर वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद ए फॉग। यहाँ पे पॉइंट कहते हैं कि उस क्लासरूम में एक ट्रायरोलिस वैली का पिक्चर लगा हुआ है, एक फूलों की घाटी का पिक्चर लगा हुआ है जहाँ पर वो जो फूल खिले हुए हैं बिल्कुल बैल की तरह नजर आ रहे हैं। वहाँ पर ओपन हैंडेड मैप लगा हुआ है, एक वर्ड का एक मैप लगा हुआ है, लेकिन उस वर्ड मैप का कोई भी मीनिंग नहीं है क्योंकि बच्चों को वहाँ पर अपनी दुनिया नजर नहीं आ रही है, क्योंकि झुग्गियों में रहने वाले बच्चों की दुनिया तो वो उनकी अपनी दुनिया अलग होती है, वहाँ पर जो उनका झुग्गियों वाला एरिया है वो उसी को ही अपनी दुनिया मानते हैं। तो यहाँ पर उस वर्ड के मैप में उन्हें अपनी दुनिया की विंडो कहीं भी नज़र नहीं आ रही है, यहाँ पे आगे बढ़ने की कोई भी आशा नज़र नहीं आ रही है। तो यहाँ पे जो वर्ड मैप है वो बिल्कुल मीनिंगलेस है, उससे कुछ भी उन बच्चों को सीखने को नहीं मिल रहा है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद फॉग, जो उनका जो फ्यूचर है बिल्कुल फॉग से पेंट कर दिया गया है, यहाँ पे उन बच्चों को आगे बढ़ने की कोई भी आशा दिखाई नहीं दे रही है, जो उन बच्चों का फ्यूचर है बिल्कुल फॉग से यानी धुंध से रंगा हुआ है। ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद लीडे स्काई, एक तंग सी गली में जो उनको कैद कर दिया गया है, जहाँ का आकाश भी अंधकार से भरा हुआ है, उन बच्चों का जो बचपन है नैरो स्ट्रीट में सील होके रह गया है, जहाँ का आकाश बिल्कुल धुंध से भरा हुआ है, आकाश बिल्कुल अंधकार में है। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो उन बच्चों का जो फ्यूचर है ना बिल्कुल अंधकार से रंगा हुआ है, आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही है क्योंकि बच्चों का विकास होना बिल्कुल असंभव नज़र आ रहा है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, वो बच्चे रिवर्स के पिक्चर से बिल्कुल दूर है, उनको कहीं भी कोई भी रिवर दिखाने के लिए नहीं ले जाता है, कैप्स माउंटेन दिखाने के लिए नहीं ले जाता है, एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड, वो एजुकेशन की दुनिया से बिल्कुल दूर है। तो यहाँ पे सेकंड पैसेज में पॉइंट ने बताया है कि उस कमरे की कंडीशन कैसी है, उनकी दीवारों बिल्कुल भद्दी नजर आ रही है, वहाँ शेक्सपियर का चित्र लगा हुआ है, एक ऐसी सुबह का चित्र लगा हुआ है जो बिल्कुल क्लाउडलेस है, और वहाँ पर जो सिटी में जो मोनूमेंट है या बड़ी बड़ी बिल्डिंग है उनके पिक्चर्स लगे हुए हैं, एक फूलों की घाटी का पिक्चर लगा हुआ है और एक वर्ड मैप लगा हुआ है, लेकिन बच्चों को इस वर्ड मैप से कोई मतलब नहीं है क्योंकि उनकी अपनी दुनिया की कोई भी विंडो वहाँ पर नहीं खुलती है। तो यहाँ पर जो बच्चों का जो फ्यूचर है ना वो फॉग से रंगा हुआ है क्योंकि आगे बढ़ने की कोई भी उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। तो यहाँ पर पॉइंट कहते हैं कि बच्चों का जो स्काई है एक ऐसी गली में वो सील हो गए हैं, एक ऐसी नैरो स्ट्रीट में वो सील हो गए हैं, जो उनका जो स्काई है ना वो बिल्कुल अंधकार से भरा हुआ है, कोई भी आगे बढ़ने की आशा कोई भी नज़र नहीं आ रही है कि कोई भी उनको डेवलपमेंट की तरफ ले जाए। तो ये बच्चे रिवर से, बड़ी बड़े माउंटेन से और चट्टानों से, उनके पिक्चर से बिल्कुल दूर है और स्टार्स ऑफ वर्ल्ड और एजुकेशन की दुनिया से बिल्कुल दूर है। तो देन आई विल एक्सप्लेन रेस्ट पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।